सजावट ऐसी होनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं, ठीक है? अच्छे से करो, जल्दी करो। आप भी जल्दी कीजिए, बहुत स्लो कर रहे हैं। कृतिका पुत्र, आज तेरी शादी है, अपसेट क्यों है तू? नानी, आज मेरे चूड़े की रस्म है और मामा मामी क्यों नहीं आए अभी तक? चल पागल, आ जाएंगे, ले आ गए। मामा जी, मामा जी। करीना पुत्र, तुझसे ज्यादा प्यार ये अपने मामा मामी से करती है। ऐसा प्यार तो मैंने बहुत कम देखा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मॉम, कि ये मेरी बेटी नहीं, इन दोनों की बेटी है। सो ग्लैड आ जाइए सब। चलो आइए। कृतिका, चल अपनी आंखें बंद कर। होने वाली दुल्हन शादी से पहले चूड़ा नहीं देखती। मुझे इस पे भरोसा नहीं है, ये अपनी आंखें खोल लेगी। भैया, अब लग रहा है कि मेरी शादी। क्यों, तुमने चूड़ा पहना है इसलिए? मैंने अपने मामा जी के हाथों से चूड़ा पहना इसलिए। चल अभी तो तेरी विदाई भी नहीं हुई है और अभी से तो इमोशनल हो रही है। बचा के रख अपने आंसू। मुबारक हो पृथ्वी मल्होत्रा, मुबारक हो। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, नहीं? आखिर आज तुम्हारी शादी है, इस घर की बेटी से शादी है, यानी कि इस घर की तिजोरी से। शादी के बाद तू कितना बड़ा इंसान बन जाएगा, इतना बड़ा इंसान कि
कोई तेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, कोई तुझ पे अटैक नहीं कर पाएगा। फैंटास्टिक। और वैसे भी आज के बाद ना कोई तुझ पे शक भी नहीं करेगा, कोई तुझ पे उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि तूने इतना बड़ा काम जो किया, सबको तो यही लगता है कि तेरी वजह से इस घर की बड़ी बहू यानी शर्लिन की जान बची, तूने जान बचाई है शर्लिन की। और इतना ही नहीं, तूने इस घर के दुश्मन मायरा उसको भी निकाल दिया, उसको भी किक आउट कर दिया, यानी कि एक साथ तो बड़े काम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तू घर वालों के लिए बन गया हीरो। फैंटास्टिक। अपना मुझे मेरे मकसद तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये कहानी फिर से शुरू होगी। दी एंड से पहले दी एंड की सोचना भी मत। माहिरा, अरे यार ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। खुद मैंने इसके लिए ऑटो करवाई और यहां से किक आउट किया, मैंने बोला गेट लॉस्ट, उसके बावजूद पीछे पड़ी हुई। यू मलाई कुल्फी, मैं ना तुम्हारी कोरी धमकियों से नहीं डरता। मेरा नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं और शर्लिन कॉलेज टाइम से लवर्स हैं? हट, तुम जाके भी ये कभी भी साबित नहीं कर पाओगी। सो जस्ट गेट लॉस्ट फॉर एवर। मुझे बताया था कि बागड़ बिल्ला माहिरा पे बौखलाया हुआ है और बौखलाहट इंसान का दिमाग फेल कर देती है। इसने तो गुस्से में देखा भी नहीं कि ऐसा मैसेज कोई और भी कर सकता है, किसलिए इसने बिना देखे मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया। बेटा पृथ्वी, तूने मेरे मैसेज का रिप्लाई करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। कृतिका से शादी करने का बड़ा शौक है ना तुझे, बहुत बड़ा गेम खेला है ना तूने। अब मेरा प्लान भी बड़ा होगा। मैं तेरी शादी कृतिका से होने ही नहीं दूंगी, मैं रोकूंगी तेरी शादी को। क्या सोचा था मैंने, दी मेरा साथ देगी, पर दी तो मेरा साथ कभी नहीं देने वाली और बनता भी है। ऐसी सिचुएशन में दी मेरा साथ देगी ही नहीं, और ठीक है दी मेरा साथ दे या ना दे, अब जो भी कुछ करना है ना मैं अकेले करूंगी, मैं अकेले सब कुछ प्लान करूंगी। खुद को पीएम बोलने वाले बकवास से पृथ्वी मल्होत्रा, तेरा तो असली चेहरा मैं सबके सामने लाके रहूंगी। अब तेरी एग्जिट लूथरा हाउस से पक्की है। आज की रात तेरी शादी की रात नहीं, तेरी बर्बादी की रात है। आज की रात तुझ पे बहुत भारी पड़ने वाली है पृथ्वी मल्होत्रा। जस्ट वेट एंड वॉच। शादी की सारी तैयारियां हो गई है, मेहमान भी आ रहे हैं, फिर भी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? अब किस लिए? अब तो पृथ्वी और मेरा कोई दुश्मन भी नहीं बचा इस घर में, तो फिर कौन? सृष्टि, कहीं ये तो कुछ नहीं करने वाली? पृथ्वी और मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है कब से। माहिरा तो बाद में आई थी, ये तो पहले दिन से हमारी दुश्मन बनी हुई है। लगता है ये कुछ करने वाली है, यही है जो शादी को रोक सकती है। लेकिन क्यों रोकेगी, कैसे रोकेगी, क्या करेगी ये? हेलो माने दादी। हेलो करना मैम, मैं तो आ गई। अरे तू अकेली आई है? सरला जी और जानकी? मानी दादी वो लोग अभी तक रेडी ही नहीं हुए हैं और मैं घर पे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा घर पे बोर होने से अच्छा है शादी के घर में चली जाती हूँ। अच्छा किया ना? अच्छा। दी, दी से मिलती हूँ। दी, I'm here. अच्छा तू आ गई, अब मेरी मदद कर देगी कामों में। ओ हेलो, मैं यहाँ मेहमान बनकर आई हूँ, मुझसे काम करवाओगे? हाँ,
जा किचन में जाकर देख तैयारियां ठीक से हो रही है कि नहीं। मैं तुझे अभी ज्वाइन करती हूँ। अब लेकिन एक बात तो क्लियर, दोनों बहनों को देख के लगता है कि इन लोगों ने हार मार दी, इसीलिए तो मेरी बेबी की शादी में इतना काम कर रही। लेकिन फिर मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही? ऐसा लग रहा है कि कहीं तो कोई तो खिचड़ी पक रही है। ऐसा लग रहा है कि बेबी की शादी में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। क्या हुआ, यहाँ पर खड़े होके क्या सोच के? सोच नहीं रही हूँ ऋषभ जी, मैं तो बस शादी की तैयारियां देख रही हूँ। तैयारियां क्या देखनी है? शादी ही देखना क्यों? पर अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। And I think now you should rest. आराम करो, गो एंड रेस्ट। कुछ ज्यादा स्वीट नहीं बनता ऋषभ लूथरा। मुझे उन लोगों से तो प्रॉब्लम है जो मेरे साथ बुरे हैं, पर उनसे भी ज्यादा उन लोगों से प्रॉब्लम है जो मेरे साथ अच्छे हैं। इतनी भी अच्छाई मत दिखाओ कि मुझे तुम पर ही शक होने लगे कि कहीं तुम तो कुछ गड़बड़ नहीं करने वाले हो। अरे सो गुड टू सी यू गाइस, एंजॉय योरसेल्फ। ऋषभ जी। अरे सृष्टि, सो गुड टू सी यू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वंडरफुल। यू नो व्हाट ऋषभ जी, इस घर में एक आप इकलौते ऐसे हैं जिसे देखकर चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है। आई लव यू। चुप चुप, दोबारा ये बात मत बोलना। तुम्हें बता, तुम मुझे बोलते तो मुझे तो पता है तुम कैसी हो। किसी और के सामने बोलोगी तो गलत समझेगा, पीछे पीछे भागेगा तुम्हारे। पर मैं ऐसे पे क्या गलती कर? अरे लेकिन तुमने गलत बोला। आई लव यू इज नॉट द राइट वर्ड टू से टू एवरीबॉडी। तुम्हें मालूम है मेरी ऑफिस में क्या इमेज है? सब लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं थोड़ा गुस्से वाला, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, ऐसा हूँ। थोड़ा हूँ भी, लेकिन अब इतना सारा काम निकालने के लिए करना भी तो पड़ता है ना थोड़ा बहुत। थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ। यू नो व्हाट ऋषभ जी, आप है ना अपने ऑफिस वालों को ना मेरे पास भेज दी, ग्रेट सृष्टि अरोड़ा के पास। अच्छा? क्योंकि मैं उनको बताऊंगी कि उन्हें ऋषभ जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनको बताऊंगी कि आप एक्चुअल में कैसे, कितने कूल, कितने स्वीट, बिल्कुल कोकोनट की तरह, बाहर से सख्त और अंदर से सॉफ्टी सॉफ्टी। मॉम, मैं अभी आती। क्या हो? कुछ नहीं, कुछ काम है। एक्सक्यूज मी। मुझे अगर उन्होंने नारियल समझा तो फिर सारा काम हो गया समझा। फिर तुम्हें आके मेरे ऑफिस का काम संभालना पड़ेगा। बेटा जी, बेटा करण नहीं है अब तक? प्लीज डोंट टेल मी अब तक रेडी हो रहा है। एक काम करो, ऊपर जाके उससे कहो जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाए, सारे गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। जी मैं बोलता हूँ, एंजॉय योरसेल्फ। एक मिनट, मेरे बेटे से दूर रहना। बेटे से दूर रहना मतलब? मतलब नहीं समझी? मैं समझाती हूँ। ऋषभ ने अभी अभी अपना होने वाला बेबी खोया है। वो डिस्टर्ब्ड है, अपसेट है, इमोशनली वीक है। कोई भी अगर उससे अच्छी तरह से बात करेगा ना तो वो उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए उसे इमोशनली सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो आई विल मेक श्योर इस बार तुम्हारा इस घर में आना मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूँ। करीना मैम, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कोई किसी के क्लोज जा रहा है, कोई किसी का फायदा उठा रहा है, कोई किसी के बीच में आ रहा है? कभी अच्छा भी सोच लीजिए। हो गया, मैंने जो बोला है ना उस बात पे ध्यान देना, समझ गई? कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ पृथ्वी और शल्लिन का पर्दाफाश करने की, उनकी सच्चाई सबके सामने लाने की, लेकिन हमसे कुछ हो पाता है? अब मैंने सोच लिया है, मैं किसी भी इंसान के पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ। मैं ये सब कुछ अब भगवान पर छोड़ दूंगी। रीता दी, आप साथ दो ना दो, मेरा साथ देने वाला और भी कोई है, कोई मिल गया। नमस्ते, कैसी? बहुत अच्छी। कैसी हैं आप? बढ़िया, आपसे।
हाय संजना, हाय, कैसी हो तुम? ऑल गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. थैंक यू सो मच. मिसेस मल्होत्रा, कैसी हैं? गुड गुड, आप कैसे हो? बहुत अच्छी, थैंक यू. शलिन कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है? पूछ क्या रही है, कमरे में आ जाके खुद मिल ले. जा, आती हूँ. हाँ, अभी. पृथ्वी दिख नहीं रहा, कैसा है पृथ्वी? बिल्कुल वैसा जैसे दूल्हे को होना चाहिए. पृथ्वी गेस्ट रूम में है, आप जाके मिलती क्यों नहीं उसे? हाँ, मैं अभी आती हूँ. जा, अभी आती. कब आएगा मुझे कोई बुलाने? कब से इंतजार कर रहा हूँ, कब से रेडी बैठा हुआ हूँ. मैं चाहता हूँ कोई आए जल्द से जल्द और बोले पृथ्वी जी चलिए, वो शुभ घड़ी आ गई है. बेबी क्या हो गया? बेबी आज तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पे खुशी दिखनी चाहिए, और तुम स्ट्रेस लग रही हो. क्यों? मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है. अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, अब होगा और सिर्फ अच्छा. तुम्हारे साथ, मेरे साथ, हमारे साथ अच्छा ही होगा. अब हमारे खिलाफ कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं. ये ओवर कॉन्फिडेंस ना माहिरा को ले गया यहाँ से. उसे लगा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, निकाल दिया ना उसे घर से. पृथ्वी ये गलतफहमी मत जियो कि हमारा कोई भी कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता. हमें पता है कि हम हर बार बच जाते हैं, लेकिन हर बार ये वक्त हमारा साथ नहीं देगा. सुनो, वो कहते हैं ना कि सबका टाइम आता है, मुझे लगता है कि हमारा टाइम भी आ गया. ये भी तुम क्यों भूल रही हो कि उस माहिरा उस मलाई कुल्फी का टाइम कौन लाया? हम लाए. सब लोग उसके खिलाफ क्यों हुए? हमने किया सबको उसके खिलाफ. वो इस घर से क्यों फेंकी गई? क्योंकि हम चाहते थे वो फेंकी जाए इस घर से बाहर. उसने तुम्हारे साथ जो भी किया, तुम्हें इतना दर्द दिया, तुम्हें तकलीफ दी, तुम बदला चाहती थी ना? हमने लिया है उसके साथ बदला. और उसका कोई कुछ बिगाड़ पाया क्या? कोई उसके खिलाफ जा पाया क्या? हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं. तो तुम सबकी टेंशन लेना छोड़ दो, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता. ओके ओके फाइन. तुम्हें किस पे शक है? तुम्हें कौन लगता है ऐसा जो हमारे खिलाफ जा सकता है? किससे डर लग रहा है तुम्हें, बताओ मुझे. सृष्टि, वो बड़बोली सृष्टि, वो तो बड़बड़ करती रहती है, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है. मेरी एक बात बताओ, प्रीता जी और सृष्टि, इन दोनों को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता है. अगर वो दोनों हम दोनों के खिलाफ जाना चाहती है तो अब तक कुछ ना कुछ कर लिया होता उन्होंने हम दोनों के खिलाफ. लेकिन कुछ किया क्या? वो दोनों हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी हुई थी, हमारा पर्दाफाश करना चाहती थी. कुछ किया क्या? कुछ हुआ क्या? नहीं बेबी, वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती. ओके, पर हाँ, दो लोग हैं जो हमारे खिलाफ कुछ कर सकते हैं. कौन? खुद हम दोनों. ऐसा नहीं होगा पृथ्वी. बेबी, तुम मेरा और मैं तुम्हारा, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे का पर्दाफाश कर सकते हैं. मेरा पर्दाफाश करो? मैं नहीं, तुम कर सकती हो. बेबी, जब तुम्हें गुस्सा आता है ना, तब तुम अपने बाप की क्या, खुद की भी नहीं सुनती. तुमने देखा अपने आप को, जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम क्या कर बैठती हो? फाइन, अब ऐसा नहीं होगा. तुम्हें पता है तुमने गुस्से में क्या किया? क्या किया? प्रीता जी को मारने की कोशिश की तुमने. थैंक गॉड प्रीता जी बच गई, वरना अगर वो मर जाती तो तुम्हें दुख होता क्या? हाँ. रियली? नहीं, हाफ और गिल्ली डंडा प्लेयर. जरा सोचो, अगर प्रीता जी मर जाती ना, तो वो गिल्ली डंडा प्लेयर प्रीता जी के कातिल को ढूंढते ढूंढते तुम तक पहुंच जाता. और फिर तुम कहां पहुंच जाती? यही सोचते सोचते मैं भी पहुंच जाता. खुश हूँ इस शादी से. अच्छा हुआ पृथ्वी शादी कर रहा है, मेरी बेटी का पीछा छोड़ देगा हमेशा के लिए. मैं खुद इतनी. ये तुम्हारे माम का साउंड सिस्टम है? मेरा बेटे का पीछा छोड़ जाएगा. किसी से लड़ रहे? अब समझ में आया, लाइक मदर लाइक डॉटर. उनसे कहो कम फटा करे, ज्यादा मत बोला करो. चलो चला रहे हो आप लोग? अरे देखो ना इनको, कुछ भी
क्या कर रहा है ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इनके साथ क्या कर रही है यहाँ पर। अरे मैं तो तेरे से ही मिलने आ रही थी, पता नहीं ये बीच में से कहाँ से टपक पड़ी टपक। और ऊपर से मेरे पे ताने मार रही है कि कृतिका की शादी इसके साथ हो रही है तो शुक्र कर रही है कि इनकी बेटी बच जाएगी। अरे मैंने तो उल्टा बोल दिया कि मेरा बेटा तो मासूम है, उल्टा तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। कौन किसके पीछे पड़ा इसका आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। हम क्या करें क्या नहीं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप मेरे बारे में बात करना बंद कीजिए नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं तो शुक्र करूंगी तेरे से पीछा छूटेगा। बस एक बार कृतिका से शादी हो जाए तो तेरे काले साये से दूर रखूंगी अपने बेटे को मैं। अच्छा काला साया, ठीक है तो मैं आपके बेटे की शादी कृतिका से नहीं होने दूंगी। शादी तो हो रही है और आज ही शादी हो रही है, क्या कर लेगी? हाँ तू क्या, तेरी मम्मी तेरा मामा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेली ही काफी हूँ। चीटिंग है ये, एक नंबर की चीटर हो तुम, चीटिंग कर रही हो। तुमने खुद कन्विंस किया था परिवार वालों को कि कृतिका की शादी पृथ्वी जी से करवा दो, अब तुम खुद कह रही हो कि शादी नहीं होने दोगी, शादी रोक दोगी। दिस इज नॉट डन। हाँ मैं तुम्हारी शादी रुकवा दूंगी अगर तुम्हारी मॉम ने मुझे उनकी बहू एक्सेप्ट नहीं किया और अगर उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी तो। तुम्हारी मॉम को बोलो मुझसे माफी मांगे। मुझसे माफी मांगेगी मेरी जूती पृथ्वी। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, बात में कुछ दमी नहीं है। तुम बेबी क्यों पत्थर को पहाड़ बना रही हो? तो तुम्हारी मॉम को बोलो मुझसे माफी मांग ले। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती है ना, तो बोल दीजिए ना सॉरी। मांग लो ना माफी, एक छोटी सी माफी मांगने से आप छोटी थोड़ी हो जाएंगे। क्यों दिला रही है उसको गुस्सा, मेरी शादी रोक लेगी खामखा। तो वो बहुत स्वीट है, छोटी सी माफी मांग लेगी सॉरी बोल देगी ना तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली बस। ओह गॉड ये लड़का ना, देखा कितना एटीट्यूड है इनमें। अगर तुम इन्हें कन्विंस नहीं कर सकते तो मुझे कन्विंस करने की सोचना भी मत। क्या हो रहा है यहाँ पे,